हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया जो कड़ी पत्ते है, जो मीठा लीम है, वो क्या एक ही है या अलग अलग है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था और मुझसे पर्सनली पूछा था। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कड़े पत्ते और जो मीठे लीम है उसका मैं आपको पौधा दिखाऊंगा। फाइनली मैं आ चुका हूँ उस वृक्ष के नीचे, उस पेड़ के नीचे, उस पौधे के नीचे जो आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा, जिसको मीठा लीम भी बोला जाता है, उसको कड़ी पत्ता भी बोला जाता है, उसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। फाइनली आ चुका हूँ उस जो मैं पौधे के बारे में बोल रहा था, इस प्रकार का वो पौधा होता है। देख सकते हो आप, इतना बड़ा हो चुका है, लगभग इसकी साइज 8 से 9 फीट तक गई है। और ये जो होता है, देखिए इसके अंदर जो छोटे छोटे बीज आते हैं, देखिए मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि ये बीज मुझे दिखाए, तो आप इधर पास लेके आइए और दिखाइए कि कैसे क्या इसके अंदर बीज होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार के जो बीज होते हैं इसके अंदर, उसके बाद में यही आने वाले समय में जो इसको फल भी बोल सकते हैं, बीज भी बोल सकते हो, और जो पत्ते होते हैं ये काफ़ी लाभकारी होते हैं। इनका मतलब आपको इसके जो 5 गुण हैं विशेष मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले जो इसको आप कड़ी में भी जो आप डालते हो तो उसमें डाल सकते हो, सब्जियों में डाल सकते हो। उसके बाद में इसका जो मेन जो अपने शरीर पर जो इसके लक्षण मतलब जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं कि इससे बाल नहीं झड़ते, जो आपको एनीमिया होती है, जैसे रक्त में खून की कमी हो जाती है तो उसके, और आप जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उसको भी मजबूत करता है, और आपको बहुत सारी जो बीमारी है उससे मतलब बचाता है आपको। यदि आप इसका रेगुलर यूज़ करते हो तो आपका जो एनीमिया होता है, जो एनीमिया बहुत खतरनाक बीमारी होती है, तो आपको उससे छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद में जो मधुमेह होता है, और उसके बाद में जो मतलब बहुत सारे औषधियों के रूप में ये काम आता है। तो इस प्रकार का जो पौधा होता है, अभी तक आपने नहीं देखा होगा, ये देखिए लगभग बहुत बड़ा हो चुका है, और इसको आप देख सकते हो ये पूरा इतना बड़ा होता है। और इसको आप अपने घर पर, छत पर, बालकनी पर, कहीं पर भी उगा सकते हो और इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखिए आपको मैंने पूरा बताया इसके डिटेल्स, और इसके औषधि जो गुण है, इसके औषधि गुण इतने हैं कि आप यदि गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इतने सारे जानकारी देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने भी सर्च किया था, बहुत सारे इसके गुण, औषधि गुण बहुत सारे हैं इसके। तो आप भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, कुछ भी मतलब आप देखोगे इसके बारे में तो बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो आप भी इसको घर पर उगा सकते हो, और आप किसी से भी पूछ सकते हो कि मीठा लीम या जो कड़ी पत्ता है उसका जो पौधा है वो आप अपने घर पर भी लगा सकते हो, और ये आसानी से हो जाता है। किसी भी आप छोटे गमले में इसको लगा सकते हो। तो देखिए हमारे पास इतना बड़ा है, लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये पूरा पेड़ है। और हमारे पास ना केवल ये पेड़ है, बल्कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेड़ है जो कि अभी गवर्नमेंट नर्सरी के अंदर है, जो मेरे घर के पास है। तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हो यदि आपको इनके पौधे चाहिए। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।